हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नो ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार मैं नए वीडियो के साथ में, नई जगह के साथ में फिर से आ गया हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं किस जगह पे आया हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे किस काम के लिए आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ इमीडिएटली। ओके, तो दोस्त, जिस जगह पर मैं आया हूँ, इस जगह का नाम है राका। राका इस जगह का नाम है राका, RAKAAH, राका, ठीक। और यहाँ पे आया हूँ मैं क्यों हूँ, क्योंकि मैडम की लड़की जो है उसको रिसीव किया सुबह में, और उसकी आदत है कि वो डेली अगर जाती है ना, उठाता हूँ तो उसको जाना था डिग्री कॉलेज, लेकिन वो रास्ते में कॉफ़ी ज़रूर, उसकी सहेलियाँ हैं थोड़ा सा, कॉफ़ी के लिए ज़रूर जाती हैं। तो कॉफ़ी के लिए मैं जो है इधर कॉफ़ी, एक बेवरीव कॉफ़ी है, तो उसी कॉफ़ी में लेके आया हूँ। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, पूरा दिख रहा है, ये पूरा इसको हदीका बोलते हैं अरबी में, और ये गार्डन है, गार्डन, और इंग्लिश में गार्डन, अरबी में हदीका, और हिंदी में बगीचा, उद्यान ऐसा बोलते हैं, आप लोग जानते हैं ना। और देखिए ये है, और ये देखिए साइड में मस्जिद है, ये साइड में मस्जिद दिख रहा है, इस साइड में ये दोस्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए पेड़ की वजह से, ये देखिए ये जो बड़ा वाला पेड़ है इसके जस्ट पीछे जो है मस्जिद है, ये बड़ा वाला पेड़ जो नहीं है, इसके पीछे जस्ट मस्जिद है। तो चलिए दोस्त, आपको दिखाता हूँ मैं मैडम को किधर लेके आया हूँ। देखिए, आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ, देखिए ये सामने वाली जो मस्जिद दिख रहा है आपको, मीनार, ये पूरा मस्जिद है, ये टावर है दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ का जैसे अपने यहाँ एयरटेल वोडाफोन, इसी तरह यहाँ पे कंपनियाँ हैं, STC जिसको, इसका नाम सावा भी है, STC भी है, ये मोबाइली का टावर, वो लिखा है साथ में मोबाइली, मतलब मोबाइली कंपनी है, सिम की कंपनी, तो मोबाइली का टावर है ये, और ये देखिए। और चलिए दोस्त, दिखाता हूँ, देखिए मैं पीछे खड़ा हूँ, जो इधर कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी उधर लास्ट में, लास्ट वाले में कॉफ़ी है, और वो देखिए क्रेन लगी हुई है जिस पे घर बनता है, इसे घर बन रहा है नया। और ये देखिए, ये पूरा मैं बैकग्राउंड में पीछे खड़ा हूँ, और चल के देखिए गाड़ी खड़ी है हमारी, चल रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करने, और गाड़ी को स्टार्ट करके चल के आपको बताता हूँ कि ये देखिए पूरा बैक, पीछे बैक साइड में पूरे ठंडी करने की, ये मशीन जो है ना, ये मशीन इसलिए लगी है, मान लीजिए कभी अगर इसके अंदर जो पूरा जो सामने कॉफ़ी है, अगर उसके अंदर कभी आग लग गया अलग बाई चांस, तो ये मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, इतना तेज मतलब उसका प्रेशर रहेगा पानी का कि पानी बुझ जाए, ओ सॉरी, आग बुझ जाएगी अपने आप। तो चलिए दोस्त, मैं गाड़ी में बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ सीन, ये दिखा दे रहा हूँ, देखिए दोस्त, यहाँ पे मस्जिद है, जैसे अपने मंदिर नहीं होता वैसे यहाँ पे मंदिर भी होता है, अपने यहाँ मस्जिद भी होता है, जैसे अपने होता है वैसे सेम यहाँ पे है, यहाँ सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मस्जिद बहुत नज़दीक बहुत जगह मिल जाएंगी मस्जिद। देखिए दोस्त, ये जो है ये उद्यान मतलब कि बगीचे में जो गार्डन में ये जो पानी पीने वाला ये लगा है, तलाजा इसको बोलते हैं, इसको अरबी में तलाजा बोलते हैं, और इसे ठंडा पानी देता है, तलाजा लगा है, ठीक। और मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, देखिए सऊदी लोग का घर बना हुआ है, ऐसे उनके सामने, घर के सामने बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, फिर आपको देख रहे हैं आप। और देखिए ये मस्जिद से अंदर जाने का गेट है, सॉरी दिखा रहे हैं, दिख रहा है अंदर जाने का गेट है, उधर से भी है, इधर से भी है, और ये मतलब लेडीज जो जेंट्स का, सॉरी जेंट्स का लिखा है ना, जेंट्स को बना है ना इसका, जेंट्स का। और देखिए पूरा सामने पूरा मैदान खाली है, देखिए सामने पूरा मैदान खाली है टोटल, और इसमें आप गाड़ी पार कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या कि आप खेल भी सकते हैं इसके अंदर, और गेंदा लोग गेंद खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं सभी लोग। ये देखिए इसे पेड़ लगा हुआ हल्का हल्का, और कॉफ़ी जिधर है दोस्त, मैं कॉफ़ी आपको बताता हूँ, कॉफ़ी चल के दिखाता हूँ आपको, अपना चंदा की याद को, ये देखिए ये दोस्त, ये लिखा है अम्मान, देखिए ना, लेकिन ये अभी शायद बंद है क्योंकि क्लोज में है, खुलेगा जल्दी, खुलेगा ओपनिंग जल्दी होगा, लेकिन मालूम नहीं कब खुलेगा, तो ये क्लोजिंग में है। और आपको दोस्त चल के दिखाता हूँ, देखिए ये मैं इधर से गाड़ी ले लिया, देखिए ये सामने है, ये देखिए दोस्त, ये सामने लगभग लगभग काफ़ी तक कॉफ़ी है, खाने का सुबह ब्रेकफास्ट का नाश्ता वास्ता करने का सिस्टम है इधर इधर, तो ये देखिए, देखिए आपको लगभग, ये देखिए गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा हूँ इधर से राइट से, और ये लिखा, देखिए दे नो डिलीवरी ट्रक, क्या लिखा है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, मतलब इस पे ट्रक ऊपर नहीं आएगी, मतलब ऐसा इसका है, देखिए डेकोरेशन मस्त अच्छा सजाया गया है। और देखिए पार्किंग की दोस्त, अगर कभी भी आप सऊदी अरब में आइए ड्राइविंग में, तो अगर आप गाड़ी पार्किंग करते हैं इस जगह पर, गाड़ी कभी मत पार्किंग करिए, देखिए ये दो जगह बना, ये क्योंकि ये दो जगह ऐसी जगह है मतलब कि गाड़ी पार्किंग के लिए हम लोगों के लिए नहीं है,
और लिखिए फार्मा होम। जब ये साधा लिया मतलब बोले तो मेडिकल स्टोर है, देखिए इसमें दवाई मिलते हैं पूरा टोटल। और आपको अभी चलिए दिखाता हूँ दोस्त, देखिए साइड में जितना भी है सब टोटल वही चीज़ है, मतलब कि कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट लेकिन सुबह बंद है, केवल ये कॉफ़ी खुला है। कौन सा ये कॉफ़ी बेवरीव, कॉफ़ी खुला है बस ओनली। देखिए ओलस दिख रहा है, ये ओलस सल्लाल, ये देखिए ये खाना मिलता दिख रहा है, सामने लिखा है कौन कौन सा खाना चाहिए, सल्लाल ये सब नाम ऐसे खाने के ब्रेकफास्ट के सुबह में, देखिए सल्लाल ऐसे है। ये देखिए दोस्त, ये देखिए सामने वाली कॉफ़ी है, दिख रहा है आपको वो सामने वाली कॉफ़ी है, और यही कॉफ़ी है दोस्त, ये सामने दिख रहा है आपको, यही कॉफ़ी, यही कॉफ़ी है पूरा टोटल। इधर लोग बैठ के कॉफ़ी भी पीते हैं, दिख रहा है आप, इधर बैठ के लोग कॉफ़ी भी पीते हैं। और ये देखिए उसके अंदर ऐसे इधर लिखा है नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे पार्किंग हमको नहीं करना है ऐसा दिया गया। आप उधर दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्त कॉफ़ी जो लिखा है ना, ये देखिए बेवरीव, बेवरीव ये कॉफ़ी का नाम है, इसके अंदर लोग जाते हैं, महंगी महंगी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी पीती हैं आराम से और काफ़ी पीती हैं अपना, कुछ देर में आती हैं। मैंने आपको कॉफ़ी दिखा दी है, बैकग्राउंड इसका पीछे का बैकग्राउंड, जगह जगह कैमरा लगा है बहुत चारों तरफ, मतलब कि आप कैमरे की नज़र में हैं ऐसा सोचिए। तो चलिए दोस्त आपको दिखा दिया मैं जहाँ पे मैडम को लेके आया हूँ, भी मैडम की लड़की को यहीं से रिसीव करूँगा, ले जाके उसको कुलिया छोड़ूंगा डिग्री कॉलेज और छोड़ूंगा। और चारों तरफ दोस्त यहाँ पे कैमरा लगा है और वीडियो भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब किसी लेडीज़ का फ़ोटो आप नहीं शूट कर सकते, किसी जेंट्स का लेडीज़ का मतलब विदाउट परमिशन नहीं शूट कर सकते, और लेडीज़ का तो परमिशन के बावजूद भी आप उनका फ़ोटो नहीं ले सकते, उनका वीडियो नहीं बना सकते, शूट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। और पता है आपको जैसे कि पूरा नेटवर्क सिस्टम एक ही है, आप कहीं भी डालोगे, किसी भी वेबसाइट पे डालोगे, किसी भी ऐप्स पे डालोगे तुरंत उसका सर्चिंग में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को इसलिए। तो चलिए दोस्त ये वीडियो अब यहीं तक, यहीं से मैं एंड करता हूँ, और आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आप चैनल पर हमारे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे भाई, प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्त, अगर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर देते हो तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और वीडियो बनाने का मेरा जो महत्व मतलब मकसद है वो सार्थक हो गया। वीडियो बनाने का मतलब मेरा मकसद ये है कि जो सऊदी में आते हैं जो लोग भाई लोग नए ड्राइवर आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सऊदी में जाएंगे तो कैसे रोड रहेंगे, कैसे कॉफ़ी वहाँ पे कैसे क्या मैडम बोलेंगे, तो ये सारी सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप चैनल पर आएँ, विजिट करें, देखें और यहाँ की सारी जानकारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और दोस्त एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैडम को फोन आया, देखिए मैडम की लड़की फ़ोन आ गया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, देखिए अब कैसे बात करता हूँ, क्या बोलती हैं, हेलो एवंती बात खलास या लाल है नहीं जी, तल बताएंगे थे माफ मुझे। तो दोस्त वो बोल रही है कि किधर हो, बाहर खड़े हो कि नहीं, मैं बोला कि हाँ बाहर खड़ा हूँ आ जाइए, तो वो बोली कि ठीक है मैं एक मिनट में आ रही हूँ। तो मैं अरबी भाषा में बात किया, और दोस्त अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मैं अरबी भाषा पे वीडियो बनाता रहता हूँ, एक दो वीडियो भी गई हैं, भाग 3 आना बाकी है, इस तरह धीरे धीरे काफ़ी तक मैं अरबी धीरे धीरे वर्ड सिखाऊंगा, उसके बाद पूरा सेंटेंस मिला के सिखाऊंगा दोस्त, और उसके बाद फिर काफ़ी तक मतलब बेसिक चीज़ें सिखा दूंगा जिससे आपको सऊदी में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, आपको थोड़ा मतलब कि 100% में 40% 45% आपको बोलना आ जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सऊदी से थोड़ा बहुत नॉर्मल बात कर सकते हैं, वो क्या बोला आप समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्त मैं 2015 से सऊदी में रह रहा हूँ, तो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हैं 5 साल की एक्सपीरियंस है तो आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। तो चलिए दोस्त इसी साथ लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी दोस्तों को लव यू।